हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम इंग्लिश बहुत आसानी से ना ही सीख सकते हैं बल्कि बोल भी सकते हैं? तो इस टॉपिक को जानने के लिए, इस चीज़ को सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखा है जिससे को जानने के बाद अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप इजीली इंग्लिश बोल पाओगे। तो अगर उसको जानना है तो उस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहली बात ये, तो अब करें क्या? सबसे पहले आप लिखना शुरू करें। रोज़ दिन, एवरी डे आप एक से दो पेज इंग्लिश राइटिंग लिखें। अब लिखने के लिए हम टॉपिक क्या चूज़ करें? टॉपिक आपका पहले सिंपल होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो आप सिंपल टॉपिक स्टार्ट करें, जैसे कि माई डेली रूटीन। मैं रोज़ दिन में सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ, लाइक I got up early in the morning, then I brush my teeth. तो इस तरह से आप टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। माई डेली रूटीन, माई हॉबी, माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरह के सिंपल टॉपिक्स को उठाइए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक अभी ना उठाएं। पहला काम ये। अब लिखने के बाद उसको बंद करके रखिए मत। लिखने के बाद फिर उसे प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम उस जो आप लिखे हो एक पेज दो पेज, उस पर आप एक घंटे दो घंटे लगातार प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद को बोलने की ट्राई कीजिए, मैंने जो लिखा है क्या मैं बिना देखे उसे बोल सकता हूँ? तो इस तरह से खुद को आप रोज़ प्रिपेयर कीजिए, सेल्फ कम्युनिकेशन कीजिए, खुद से बात कीजिए, खुद से इंग्लिश में बात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रोज़ आप किसी और को नहीं ला सकते हो। जब मौका मिले किसी और से बात करने का तो बिल्कुल बात कीजिए, लेकिन जब कोई नहीं हो आपके पास, आपको प्रैक्टिस करना है, तब खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज जितने भी अच्छे स्पीकर्स होते हैं, सभी के सभी पहले वो सेल्फ कम्युनिकेशन करते हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए वो खुद से बात करते हैं, तब वो जाकर के आपसे बात करते हैं। ये उनकी सीक्रेट होती है। नेक्स्ट क्या करें? ये तो हो गई हमारी लिखने की बात। अब लिखने के लिए आपको वर्ड्स का कलेक्शन भी तो होना चाहिए। उस कलेक्शन को आप लाओगे कहाँ से? तो उसके लिए आप बुक्स को रीडिंग करें, चाहे वो बुक्स हो, मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर, जहाँ भी आपको इंग्लिश पढ़ने का मौका मिल जाए उस मौके को गवाइए मत, उसको आप पढ़िए। यहाँ तक कि आपको कॉलर का डिब्बा, कोई कुरकुरे का पैकेट, कहीं पे भी इंग्लिश लिखा है उसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। पहला आप ये काम कीजिए। और जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं है लिखने के टाइम, पढ़ने के टाइम, तो उसको आप गूगल से सर्च भी कीजिए। बिकॉज हमारी गूगल बैन बनी किस लिए? सर्च करने के लिए। तो उस पर आप सर्च कीजिए और उसका मतलब देखिए, उसका प्रोनाउंस देखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए और फिर प्रैक्टिस भी कीजिए। तो इसके लिए आप अलग से कॉपी भी बनाएं और रोज़ एक घंटा प्रैक्टिस करें, किसी भी दिन मिस ना करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो हर दिन प्रैक्टिस करें। अब कहने का मतलब है, हमने ये सब काम कर लिया, अब इसके साथ साथ सोचने की आदत डालें। अपने आप के, अपने ब्रेन को इतना प्रैक्टिस करवा लीजिए कि आप खुद से इंग्लिश में बात कर सको। अपने ब्रेन को इंग्लिश का हैबिटेशन दिलवाइए। अच्छा, हम हिंदी में क्यों बात करते हैं? बिकॉज हमारे दिमाग को आदत लग गई है हिंदी में बात करने की। तो अपने दिमाग को इंग्लिश की आदत लगवाइए। नेक्स्ट काम ये कीजिए। तो ये तो हमारी थी। अब लास्ट है, किसी को इंग्लिश नहीं आता बट फिर भी उसे इंग्लिश बोलना है और बहुत जल्द बोलना है, तो उसका एक ही तरीका। सबसे पहला तरीका ये है कि आप एग्जांपल को स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे मान लो कहीं आप गए और आपने किसी ने आपसे पूछा, वुड यू लाइक टू हैव अ सेल्फी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक फोटो खिंचवाओगे? अगर अक्सर देखते हो कि ब्रिटिश से इंडियंस पूछते हैं, राइट, वुड यू लाइक टू हैव अ सेल्फी विद मी, अक्सर वो पूछते हैं, तो आप मेरे साथ एक फोटो खिंचवाओगे? तो उस वर्ड को आप उठाओ और वहां पे आप नए नए वर्ड्स ऐड करिए। सो वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू फ्रेंडशिप विद मी, मीट विद मी, वुड यू लाइक टू टॉक विद मी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू सिंग विद मी। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर उठाइए, एक एग्जांपल उठाइए, उस एग्जांपल को स्ट्रक्चर बना करके उसमें नए नए वर्ड्स फिट कीजिए। वो आप कहीं से भी उठा सकते हो, कहीं भी न्यूज़पेपर से, किसी भी मैगजीन से। यूजुअली इसको हम डायलॉग से उठाते हैं या फिर एड से। अक्सर एड्स में कहीं कहीं पे अच्छी इंग्लिश लाइन वो यूज़ करते हैं जो डेली कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। तो डेली कम्युनिकेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं वे पहले आप उस पर काम कीजिए, बिकॉज आपको अभी अभी सीखना, आपको बोलना सीखना है, आपको शेक्सपियर नहीं बनना, आपको बोलना सीखना है। तो जो डेली वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, जो कम्युनिकेशन वाले जो इंग्लिश मूवीज़ आती हैं, इंग्लिश चैनल्स आते हैं, उसको आप देखिए और वहाँ से सीखिए कि वो कम्युनिकेशन में किस तरह से वो इंग्लिश वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। और ध्यान रहे, अपने प्रोनाउंस पे हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आपके टंग अच्छे नहीं होंगे, आप लाख बड़ी बड़ी इंग्लिश बोल लें, आपके टंग अच्छे नहीं हैं, तो फिर कोई ध्यान भी नहीं देगा आप पे। तो इसीलिए अपने टंग को अच्छा रखिए और रोज़ दिन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको अपना इंप्रेशन चेक करना है तो इंप्रेशन चेक करने के लिए आप खुद को मिरर के सामने देख रख रख के रोज़ अपने आप से 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बात कीजिए। उससे आपको ये समझ में आएगा कि जब आप लोगों से बात करते हो तो आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, इसमें कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कॉन्फिडेंस को अपनी और बढ़ाने के लिए और ख़ुद को और इम्प्रूव करने के लिए। देखिए,
एक बहुत अच्छे थॉट्स हैं, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़र्व। अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हो तो पहले उसके लायक बनिए। तो अगर आप चाहते हो आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोल पाए तो उसके लिए खुद को जी जान लगा दीजिए, इतनी मेहनत कर लीजिए, इतनी मेहनत कर लीजिए कि आपसे अच्छा कोई बोल भी नहीं पाए। मैंने 3 महीने में बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना मैंने सीख लिया था, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती थी। मैं एक दिन में रोज़ 5 घंटा 3 घंटा 6 घंटा मैं रोज़ इंग्लिश प्रैक्टिस करती थी, मैं सेल्फ कम्युनिकेशन करती थी। और जब मैं क्लास में जाकर जब मैं इंग्लिश में बात करती थी तो सब मुझसे काफ़ी इंप्रेस रहते थे कि साध्या को इतना जल्दी इतना इंग्लिश कैसे आ गया। तो अगर आपको ये भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें, रोज़ अपने आप में इतनी बात करें, और फिर फाइनली क्या होगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें, बहुत जल्दी कामयाबी आपके हाथ में होगी। थैंक यू, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर लोग की ये प्रॉब्लम दूर हो सके।